सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेस मेवाड़ में। आज अमल कर रहे हैं प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6-7-2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 39, 40, 41 और आकलन 4 का हल, जो पेज नंबर 46 से लेकर 49 तक हैं। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएँ और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 39, आधा की समझ बना पाना। नीचे दी गई किस आकृति का छायांकित भाग आधा है? सही उत्तर पर बॉक्स में सही का निशान लगाएं। तो इसमें इस आकृति में छायांकित भाग आधा है, इसमें राइट लगा दें। दूसरा है, नीचे दी गई आकृति को 6 बराबर भागों में बांटकर 5/6 भिन्न को छायांकित करें। तो इसमें 6 भाग करने हैं और 5 को छायांकित कर दें, 5/6। कौन सी आकृति 4 बराबर भागों में बटी है, उन आकृतियों को छायांकित करें, ये गे और गे वाली दोनों। प्रश्न नंबर 4 है, दी गई आकृति को जोड़ में ऐसी कौन सी आकृति का जोड़ा है जिसको छायांकित भागों को जोड़ने पर पूरी इकाई बन जाएगी? सही पर सही का निशान लगाएं। तो जोड़ा होगा खे, इसमें राइट लगाएं। कार्यपत्रक 40, भिन्नों की तुलना कर पाना। कौन से आकृति के भिन्न की दी गई आकृति के भिन्न के बराबर हैं? तो वो आकृति होगी 2 नंबर, 2 में लगा दें यहाँ राइट। प्रश्न नंबर 2, आकृतियों को भिन्न संख्याओं के रूप में लिखकर छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो ये होगी 5/9, ये होगी 1/1, ये 3/4, 1/4, 1/2 और 1/3 होगी ये। छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे हम, तो पहले यहाँ से उल्टा कर लें, 1/3, 1/2, पहले 1/4 आएगा उधर, फिर 1/3, 1/2, 3/4, 1/1 और 5/9। तीसरा है, सबसे छोटे बिन पर गोला लगाएं, छोटा बिन है 1/5, खे में है 1/13, सबसे बड़े बिन पर गोला लगाएं। देखिए हर समान है, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा, 8/12, 6/6, 3/7 से छोटे दो बिन लिखें, 2/7, 1/7। छठा है, समतुल्य बिन को बताइए। 5/10 का समतुल्य 10/20, 7/14 का 14/28 है। खाली बॉक्स में छोटे बड़े या बराबर बिन के लिए छोटा बड़ा और बराबर चिन्ह लगाएं। इन दोनों में बड़ा है ये, इसका है 1/2, ये है 1/3, ये बड़ा है, ये है 2/4, ये है 3/4, ये बड़ा है, ये है 1/4, ये है 3/4, ये बड़ा है, ये है 1/3 और ये है 4/8, 4/8 बड़ा है। कार्यपत्रक 41, समतुल्य भिन्नों को समझ पाना। चित्रों को देखकर छायांकित भाग के समतुल्य भिन्न लिखें। 1/5 का समतुल्य है 5/10, 2/5 का समतुल्य 4/10। प्रश्न नंबर गे, 1/3 का समतुल्य 2/6, 3/4 का समतुल्य 6/8। डे है, 1/4 का समतुल्य 2/8, 2/3 का समतुल्य 4/6। प्रश्न नंबर 2, कौन सी आकृति का छायांकित भाग दिए गए भिन्न का समतुल्य है? बॉक्स में सही छायांकित भाग का भिन्न लिखें। तो इसमें है के, 1/4, 1/4 हैं इसके समतुल्य, इसमें राइट लगाएं। 3/4 हैं इसके समतुल्य, इसमें राइट लगाएं। 1/2 हैं इसके समतुल्य, इसमें राइट लगा दें। आकलन 4, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलान करें। 1/2 को मिलाएं इससे और नीचे वाले से, ये समतुल्य हैं इसके। 2/3 को मिलाना है हमें, इसमें 2/3, यहाँ 1/3 है, तो इसमें ये एक चित्र ज़्यादा बन गया है, तो इसमें 2/3 ये नहीं है, इसको भी गलत करें। ये है 4/5, 4/5 से मिलाएं और 4/5 इसमें नहीं है। ये है 2/6, 2/6 से मिलाएं और ये भी 2/6 है,
इसको मिलाना है 1/2 से। प्रश्न नंबर दूसरा है, 4/7 के समतुल्य बिंदु पर गोला लगाएं 8/14। दिए गए छोटे बिंदु में छोटे बिंदु पर घेरा लगाएं, इसमें दोनों में छोटा है 9/13, इसमें दोनों में छोटा है 4/11। चौथा है, दिए गए बिंदु के समतुल्य बिंदु के बराबर आकृति को छायांकित कीजिए और बिंदु लिखिए। तो इसमें 1/3 के बराबर छायांकित होगी 2/6, 1/2 के बराबर छायांकित है 3/6, यहाँ 3 छायांकित कर दें। यह था कार्यपत्रक 39, 40, 41 और आकलन 4 का हल। स्क्रीन पर दिख रहे प्लेलिस्ट के चित्र में हमने सभी कार्यपत्रक के हल डाल रखे हैं, यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।